सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डिमेंशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार करें दोस्तों, अभी कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की सारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से प्यारे से इंट्रो के बाद। Yeah, they notice me, got senpai feeling ultra instinct, Nico so kawaii, four drinks, zero two hips, do not lie, kohai, move that body, it's a vibe, my guy, shake the ass, keep it jiggling and rock them hips, make a wife wanna mix with a vibe so... तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह परमैन ने पाको की इनविटेशन को मना कर दिया था और मिची के घर पर कुकीज़ खाने के लिए चला गया था, जिसके कारण पाको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे परमैन से। और हमने ये भी देखा था कि पाको ने एक प्लान बना लिया था परमैन से बदला लेने के लिए। तो दोस्तों आज की स्टोरी वहीं से ही कंटिन्यू होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, मेरे को बहुत से परमैन फैंस पूछ रहे हैं कि जो हमने परमैन के डबिंग आर्टिस्ट को यूट्यूब पर लाने का प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों इस पर एक वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर सपोर्ट करना, जैसे आप लोग मेरे परमैन के फैनमेड स्टोरी पर सपोर्ट करते हो वैसे ही इस पर भी सपोर्ट करना। और हाँ, 20 तारीख को हमारे प्यारे परमैन का बर्थडे है, तो उस दिन ये प्लान वापस रिपीट होने वाला है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। तो चलो अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और हमारा मिस्सो अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है, क्योंकि आज संडे होता है और उसकी स्कूल की छुट्टी होती है। तभी हम देखते हैं कि परमैन का बैच बजने लगता है, तो हमारा परमैन बैच को उठाता है और बोलता है, हाँ मैं परमैन नंबर वन बोल रहा हूँ। तो वहाँ से पायान बोलता है, परमैन नंबर वन यहाँ पर जल्दी आओ। तो परमैन पायान से पूछता है, क्या हुआ पायान? तो पायान बोलता है कि एक प्लेन जो अमेरिका से आ रहा है उसका इंजन ख़राब हो चुका है और वह प्लेन कभी भी गिर सकता है। तो परमैन बोलता है, ठीक है पायान मैं जल्दी आ रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि मिस्सो अपने रोबोट को शेल्फ से बाहर निकलता है और उसे एक्टिव कर लेता है। तभी उसका रोबोट परमैन से पूछता है कि तुम इतनी सुबह और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो परमैन बोलता है कि अभी मेरे को टाइम नहीं है, मैं आने के बाद तुमसे बात करूँगा इस बारे में। और ये करके परमैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी मिस सुमेरे निकल जाती है एयरपोर्ट की तरफ जेम्स को लेने के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारे सारे परमैन पहुंच जाते हैं उस जगह पर। तो जो हमारी पाको है वो परमैन से बात नहीं कर रही होती है, क्योंकि वो परमैन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस कारण। तो हम देखते हैं कि हमारे सारे परमैन उस प्लेन को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और उस प्लेन को सेफली लैंड करवा देते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर से टॉप सुपरस्टार जेम्स बाहर निकलता है, वैसे ही सारी मीडिया वाले जेम्स की फ़ोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जब जेम्स सीढ़ियों से उतर रहा होता है तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है। तो वह हमारे पाको रहती है वह उसको पकड़ लेती है, जिसे देखकर परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब उसे खुद को ही नहीं पता कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आ। तो हम देखते हैं तो जेम्स होता है उसे अलग सा ही एहसास होने लगता है जो उसे पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, और शायद इसे ही प्यार बोलते हैं। तो जो हमारा परमैन रहता है वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी पाको रहती है वो जेम्स को उसके कार तक छोड़ने चली जाती है। तो जेम्स पाको से पूछता है कि मिस पाको क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? तो जो हमारी पाको रहती है वो उसे हाँ बोल देती है। तो हम देखते हैं कि परमैन अपने घर पहुँच जाता है और परमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। तो उसका रोबोट परमैन से पूछता है कि परमैन बताओ ना आज क्या हुआ, प्लीज़ बताओ ना परमैन, प्लीज़ बताओ। तो परमैन बहुत ज़्यादा चिल्लाता उसके रोबोट पर, क्या तुम थोड़ी देर शांत रह सकते हो? तो मिस्सो का रोबोट मुझसे पूछता है कि क्या हुआ परमैन, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? तो जो हमारा परमैन रहता है वो उसे सारी बात बता देता है। तो जो हमारा रोबोट रहता है वो बोलता है कि अरे परमैन तुम ये क्या सोच रहे हो, परमैन की तो ड्यूटी है हर एक को बचाना। तो परमैन बोलता है
हाँ रोबोट, तुम्हारी बात तो सही है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तो रोबोट पूछता है कि परमैन, क्या तुमने जेम्स का वेलकम किया? तो परमैन बोलता है, नहीं रोबोट, मैंने नहीं किया। तो रोबोट बोलता है, अरे परमैन, तुम तो लीडर हो, तुम्हें तो जेम्स का वेलकम करना चाहिए था। तो परमैन बोलता है, हाँ रोबोट, तुमने सही बोला। तो रोबोट बोलता है, अभी जाओ। तो परमैन बोलता है, अभी जाओ? हाँ अभी जाओ। परमैन बोलता है, पर मुझे उसका घर नहीं पता। तो रोबोट बोलता है कि तुम जाके मिस सुमेर से पूछो। तो परमैन बोलता है, अरे वाह रोबोट, क्या आइडिया दिया तुमने। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पाको और उसकी रोबोट मतलब मिस सुमेरे बैठी रहती है, और दोनों तो जो मेरी पाको है वो अपने रोबोट से बोलती है कि रोबोट, हमारा प्लान तो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है। तो उसकी रोबोट बोलती है, हाँ पाको, तुमने सही बोला, क्या तुमने आज देखा परमैन कैसे जल रहा था मेरे को और जेम्स को एक साथ देखकर? तो उसकी रोबोट बोलती है, हाँ पाको, तुमने सही बोला। तो उसकी रोबोट बोलती है कि अब नेक्स्ट क्या है? तो पाको बोलती है, कॉफ़ी, मतलब मैं और जेम्स दोनों कॉफ़ी पीने जाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस सुमेरे के घर की बेल बजती है। तो मिस सुमेरे चली जाती है डोर को ओपन करने के लिए, तभी वो देखती है कि दरवाजे के पास जेम्स खड़ा रहता है। तब हम देखते हैं कि जेम्स पाको को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो पाको से पूछता है, मिस पाको, आप यहाँ पर? तो पाको बोलती है, हाँ मैं यहाँ पर, मैं और मिस सुमेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जेम्स बोलता है, अच्छा। तो जो हमारी सुमेरी रहती है वो जेम्स को बोलती है, अरे जेम्स, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ। तो जेम्स बोलता है, हाँ आ रहा हूँ। तो जेम्स जैसे ही घर के अंदर आ रहा होता है, तभी उसका पाँव कारपेट में फंस जाता है और वो डायरेक्ट पाको के ऊपर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से परमैन आ रहा होता है बूके के साथ। तभी वो पाको को और जेम्स को देख लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है ये सब देखने के बाद, और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसे लगा? और इसका थर्ड पार्ट जल्दी आने वाला है, और इसका थर्ड पार्ट और भी खतरनाक होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय परमैन फ्रेंड्स।